जदयू की जीत है, भाजपा की हार है। उसने हार को देखते हुए, भाजपा की हार को देखते हुए उन्होंने ये जल छुट्टी का ऐलान कर दिया, और उन्हें मालूम था अगर ये छुट्टी नहीं दी गई तो ये जंग और भी लंबी हो सकती है। महाराजा जी का 370 35 के सब्जेक्ट अभी बकाया है, जिन शर्तों पे असेशन हुआ था वो शर्तें भी अभी बकाया है, और ये तो पहला कदम है, अभी जंग अभी बाकी है। जो देख सकते हैं कि इस समय जश्न का माहौल इस वक्त यहाँ पर, और महाराज छुट्टी मिल चुकी है, उसके बारे में पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बड़ा अच्छा फैसला सरकार ने समय आने के ऊपर ले लिया, और हम तो बहुत देर से महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की मांग कर रहे थे, और ये जंग बहुत कई सालों से चल रही थी, और जिसका श्रेय आज जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू के डोगरा लोगों को, युवा राजपूत सभा को, और तमाम वो संस्थाओं को जिसमें चैम्बर है, खत्री महाजन ब्राह्मण राजपूत, तमाम मजहबों के लोग इसकी मांग को लेकर के युवा राजपूत सभा के बैनर के नीचे धरने प्रदर्शन कर रहे थे, और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। और ये जीत जो है ये जम्मू कश्मीर की आवाम की है, जम्मू के डोगरा लोगों की है, और ये पहला कदम है। मिशन स्टेटहुड 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये मांग कर रहा था कि हमारा रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370-35 से, और जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक किया है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है, उन शर्तों के ऊपर रियासत हमको वापस की जाए। आल पार्टी जो मीटिंग हुई थी आप वहां पर भी शामिल थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ जम्मू की जो मेन डिमांड थी या जम्मू के जो दुखों का कारण था वो सिर्फ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलना ही था, लेकिन और भी अभी बहुत सारी नहीं? ये हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आप पत्रकार मित्रों ने, ये पहला कदम है हमारी जीत की तरफ, ये जंग का पहला कदम है, अभी तो बहुत कुछ बाकी, लाना बाकी है, जिसमें रियासत का दर्जा, महाराजा जी के बनाए हुए कानून, स्पेशल स्टेटस 370 स्टेट सब्जेक्ट, और यहाँ तक कि जो रियासत जो जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक थी, और पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वो रियासत जब तक नहीं आएगी, और मैं राजपूत सभा से भी कहूँगा, और तमाम जिन लोगों ने इस जीत का सहरा, जिनके सर बन रहा है कि छुट्टी का ऐलान हुआ, उन सभी से कहूँगा कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी महाराजा हरि सिंह जी की रियासत वापस लानी है, उनके बनाए हुए कानून, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के समय जो शर्तें थी वो वाली रियासत वापस लानी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है ये जम्मू कश्मीर को बेचती नीलाम करती चली जा रही है महाराजा जी की। लेकिन आप भी उन नेताओं के साथ मिलकर आए हैं जो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी में नहीं था महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेना। जी, और यहाँ तक कि भाजपा जो है ये बाहर के लोगों को, 25 लाख वोटरों को जम्मू कश्मीर में बता करके महाराजा जी की रियासत का वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, इतिहास सब बदलना चाहती है। और यहाँ तक रहा आल पार्टी मीटिंग का ताल्लुक, मुझे बहुत से पत्रकार मित्र पूछते हैं, ये मिशन स्टेटहुड 5 अगस्त 2019 के बाद भी हमारा